दूध फायदे की चीज़ है या नुकसान की चीज़ है? क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे दूध के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स इस तरह आ रहे हैं कि भाई दूध नहीं पीना चाहिए और दूध के नुकसान ज़्यादा है, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसके बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत सारे लोग खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में, यूरोप में, कि भाई दूध अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए, इसमें ऐसा है कि उसकी वजह क्या है कि आजकल लोगों ने कहना शुरू किया, कई वजह है। उसमें एक वजह तो ये है कि अमेरिका की खासतौर से काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी वो लैक्टोज जो कि मिल्क में होती है, दूध में होती है, उसको वो उनकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाती, डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं कर पाती, उनको उससे तकलीफ होती है, इनडाइजेशन होता है। इस वजह से एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ का भी दूध नहीं कोई प्रॉब्लम है। और उसकी भी वजह ऐसा क्यों है, यानी ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन अमेरिका की, इससे ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड की, बल्कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो बहुत बड़ा नंबर है। वजह क्या है? वजह दो है। एक ये कि अक्सर जो अमेरिकन जो एक ट्रेंड है वो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग पूरी नहीं करते, यानी जिस तरह से है कि भाई इतनी मुद्दत तक, 1.5 साल तक जो भी बताए करना चाहिए उसके फ़ायदे, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि वो वर्किंग लेडीज़ होती हैं तो नहीं कर पाती। तो अब होता है क्या क्या है कि बच्चों को, चूंकि वो शुरू से उसकी आदत नहीं है लैक्टोज की, तो उसको लैक्टोज को किस तरीके से मैनेज करना है, हैंडल करना है, उसका सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है। एक ही बात। दूसरे, लैक्टोज नॉर्मली क्या होता है बच्चों में, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा तजुर्बे में, कि बच्चों को एक कॉलिकी पेन होता है, अक्सर बच्चे होते हैं ना उनको कॉलिकी पेन होता है, तो वो होता है अक्सर लैक्टोज की वजह से शुरू में। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी रात को परेशान होते हैं, माएँ भी परेशान होती हैं, नींद ख़राब होती है, सुबह काम करना होता है, तो एक परेशानी की चीज़ है। तो कुछ कंपनियों ने जो, यानी ब्रेस्ट फीडिंग तो थी नहीं, तो बेबी प्रोडक्ट जो बच्चों के फार्मूलाज आते हैं वो देती थी इनको, मिल्क फार्मूलाज, तो उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ कंपनीज ने, खासतौर से कंपनी उसका नाम है गड़बड़, उसने सबसे पहले गड़बड़ की बेसिकली, उसने क्या किया कि लैक्टोज को लैक्टोज फ्री उसने फार्मूला बनाया, जिसकी वजह से अब बच्चे जब वो मिल्क फार्मूला पीते थे, बेबी फार्मूला, उसमें लैक्टोज नहीं था, तो कॉलिकी पेन रात को नहीं होता था, तो बच्चा भी आराम से सोता था, माँ भी आराम से सोती थी, सुबह जाने में जो हमें प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर भी खुश था, और जो मिल्क ये फार्मूला बनाने वाले लोग थे, कंपनीज, ये भी खुश थी, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता था। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ कि एक बड़ी पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट हमेशा के लिए हो गई। फिर उसको देख के दूसरे जो अब बेबी फार्मूला मेकर्स, उन्होंने भी चीज़ शुरू करी, तो काफ़ी प्रोडक्ट्स में ऐसे शुरू हो गया। बहरहाल, लेकिन असली चीज़ तो ये थी, क्योंकि जो मदर्स का जो मिल्क है उसके अंदर अल्लाह ने इतनी चीज़ें ऐसी रखी थी कि बच्चा जो है ना, यानी पूरा फुली इक्विप्ड हो जाता है किस तरीके से हैंडल करना है मिल्क को। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक सर्टेन एज होती है कि उस एज में ही हमारी बॉडी या एंजाइम है, उसके जो फ्लो है, या यानी जो मेजर्स हैं किसी बॉडी, यानी किसी सब्सटेंस को डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब करने के लिए, उसकी जो सलाहियत है वो किसी एक सर्टेन एज में ही हो सकती है, बाद में नहीं हो सकती। दूध के साथ, लैक्टोज के साथ भी ऐसे ही मसला है। तो बड़ी एक बहुत पॉपुलेशन अब अमेरिका की जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो इसलिए उन्होंने कहा भाई दूध जो है सही नहीं। कुछ बाद में ऐसी भी चीज़ हुई कि अब चूंकि इस वक्त का जो दूध आ रहा है ना वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, अक्सर गाय में जो है वो, भैंसों में, गाय में जो इंजेक्शन लगाते हैं मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अब इसमें जो है ग्रोथ हार्मोन है, आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन है, जीना एस्ट्रोजन्स हैं, ये हार्मोन उनको दिए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो दूध के जरिए हमारे पास ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसके इसके पर नुकसान है। फिर तीसरे ये कि होमोजेनाइज दूध का प्रोडक्शन शुरू हो गया, एक बड़ी अच्छी टर्म लगती है होमोजेनाइज, लेकिन होता क्या है कि दूध को जो है ना पैक करने से पहले उसको गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट इसलिए करते हैं कि दूध के अंदर एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम जो होता है तो उससे क्या होता है कि वो एंजाइम किल हो जाता है, क्योंकि एंजाइम एक लिविंग चीज़ है, तो दूध को आप इतने दिन रख नहीं सकते, तो उसके शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसको करते हैं। अब जाहिर सी बात है एंजाइम के बगैर वो दूध जिस्म में जा रहे हैं तो उससे लेट फूड सेंसिटिविटीज हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, दूध बढ़िया फायदे में नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये सही बात है कि इस वक्त का जो आज का दूध है, अगर ये प्रोसेस्ड है इस तरीके से आ रहा है तो इसका बहुत नुकसान है। लेकिन अगर आप दूध प्योर फॉर्म में, अगर आप
ایسی گائے سے لے رہے ہیں، ایسی بکری سے لے رہے ہیں، ایسی بھینس سے لے رہے ہیں کہ جو کہ جس کے کوئی ہارمون نہیں دیا جا رہا ہے، اس کو جو فیڈ ہے اس کی پراپر ایک اچھی فیڈ اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، کوئی ہارمونس پر نہیں ملا ہے، ہوموجنائز نہیں ہے وہ دودھ، ٹھیک ہے. اچھا اس کو کیا کرتے ہیں، ہوموجنائز کرتے ہیں اس کو، یا پھر ایسا ایسے پھٹ جاتا ہے دودھ. اس کے بعد ایک فلٹر ہوتا ہے، ایک ہوموجنائزر مشین بیسکلی ہوتی ہے، اس کو پریشر کے ذریعے اس کو پھٹے ہوئے دودھ کو پاس کیا جاتا ہے پریشر کے، تاکہ اس کے مالیکولس بالکل چھوٹے چھوٹے پھر دودھ کی شکل بن جاتی ہے، اس کو پیک کر دیتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک بڑی اچھی ٹرم لگتی ہے، لیکن وہ ایک کمپرومائز دودھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. پھر یہ ہارمون دیے جا رہے ہیں جانوروں کو، اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد نقصان ہے، تو اس کے ہم نے دودھ کو ہی پر کہہ دیا کہ دودھ ہی خراب چیز ہے. تو دودھ اگر کسی کو اصلی شکل میں مل جائے ایک نعمت ہے. دودھ کے اندر قریب 400 پروٹین پیپٹائڈس ہوتے ہیں، وہ باڈی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. ایک کمپلیٹ موسٹ سینرجسٹکلی بیلنسڈ فوڈ ہے اس کے اندر، کاربوہائیڈریٹس پروٹین فیٹس کا بالکل توازن برابر ہے. اب دیکھیں اس سے اگر کوئی یہ اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ کرے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچوں کو مدرس کا ملک کی شروعات ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں خراب چیز ہے؟ تو بھائی وہ خراب چیز نہیں ہے، یہ تو نعمت ہے. اس لیے ہاں یہ کیا کمپرومائز دودھ اس وقت کا جو ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے واقعی بہت ساری تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کا ایک رجحان ہو، اس کی کوشش کی جائے کہ اس کا یعنی کہ سلسلہ شروع کیا جائے، فارمز لگائیں کہ اچھی بھینس ہے گائے بکری کے استعمال، یعنی ان کو باخر اس کی یعنی انڈسٹری، یعنی لوگ اس کو گھروں میں ہوتے تھے پہلے، ہم لوگ کے ہم دیکھتے تھے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے، یعنی جا کر آپ فریش دودھ لے لیں، اس طرح کا پھر ماحول بننا چاہیے.